हेलो हेलो हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आपने अगर थंबनेल देख के इस वीडियो को क्लिक किया है तो आप सही वीडियो पे हो। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ ये करवा चौथ लुक। दिस इज़ माय वेरी फर्स्ट टाइम टू क्रिएट करवा चौथ लुक, वो भी अंडर 500 रुपीज़ के प्रोडक्ट के साथ। यस यू हर्ड इट राइट, आज अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ आप लोगों को ये मेकअप लुक क्रिएट करना सिखाऊंगी। देख रहे हो कितना टर्नआउट सही हुआ है, और विथ सिंदूर एंड एवरीथिंग, एंड हाथ पे भी मैंने ये काइंड ऑफ यू नो लिपस्टिक लगाई है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट इफ यू आर न्यू हियर, हाई, माय नेम इज नगमा, आई एम अ ब्यूटी एंड लाइफ स्टाइल कॉन्टेंट क्रिएटर ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सो इफ यू ऑलरेडी हियर, प्लीज डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन एज वेल, सो वेन एवर आई अपलोड अ वीडियो यू विल गेट नोटिफाइड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। लेट्स गेट इन टू द वीडियो। टाइगर से हाय, कम हियर, दिस इज माई कैट टाइगर, से हाय टाइगर। Hi guys. मैंने अपना मॉइस्चराइज और SPF लगा लिया है, तो उसके बाद यूज करूंगी मैं ये हिलरी रोडा का प्राइमर। इट्स अ ब्लर, पावर ऑफ ब्लर प्राइमर। सो इसको मैं सिर्फ वहां वहां लगाऊंगी जहां जहां मुझे स्वेट आता है। तो जैसे कि मुझे चीक एरिया पे आता है एंड मुझे नोज एरिया पे भी स्वेट होता है, तो मैं सिर्फ वहीं पे लगाऊंगी और माउथ एरिया पे। प्राइमर हो गया, अब बात आती है कलर करेक्शन की। कलर करेक्शन के लिए मैं यूज करने वाली हूँ ये मास का कवर रेंजर पैलेट। एंड ओ माय गॉड, अगर आपको मैं बताऊँ तो ये मैंने कितना एम्प्टी कर दिया। सी, अभी हमें सबसे डार्केस्ट शेड लेना है, और मेरे जो ये पिगमेंटेड एरियाज हैं, तो अभी मैं मिरर में देख के स्पेशली करूंगी, आप लोग को मैं गाइड करती रहूंगी। तो जहां पे भी मेरा पिगमेंटेड एरिया है मैं वहां पे इसे अप्लाई करूंगी। तो जो लोग बोलते हैं ना कि हम भी वही प्रोडक्ट यूज करते हैं एंड हमारा वो लुक नहीं आता जैसे आप लोगों का आता है, तो सही टेक्निक मैटर करती है। कोई भी मेकअप प्रोडक्ट आप यूज करो, उसमें अगर टेक्निक आपको पता नहीं है तो मेकअप आपका अच्छा होना ही नहीं है। मैं गारंटी देती हूँ उस चीज़ की, अगर हमें टेक्निक ही नहीं आती है सही से तो कहाँ। जितने भी एक्ने पिगमेंट्स हैं मेरे, डार्क सर्कल्स पे भी अप्लाई करूंगी। सो आज पूरा हम प्रॉपर करवा चौथ लुक करेंगे विद द सिंदूर एज वेल। मैं फर्स्ट टाइम यूज करने वाली हूँ, सो आई डोंट नो हाउ इट गोइंग टू टर्न आउट, बट या आप लोगों को एक एक समझ में आएगा कि ये लुक के साथ प्रॉपर अगर रेडी होंगे आप तो कैसे दिखोगे। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर, और सारी चीज़ों को हल्का हल्का डैप करूँगी। इतना भी नहीं करना है कि ये कंसीलर वहाँ से हट जाए, मेन इम्पॉर्टेंट। बहुत लोग ना ऐसे घसते हैं, रगड़ते हैं, वो नहीं करना है आपको। आपको हल्का सा डैप करना है। एंड जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वो अंडर 500 रुपीज़ के प्रोडक्ट्स हैं। मामा अर्थ का ये ग्लो सिरम फाउंडेशन, ये अराउंड 500 का ही, इसके MRP 599 है, बट हमेशा ये डिस्काउंट में 500 या 498 समथिंग ऐसे ही लगता है। सो आई थॉट व्हाई नॉट लेट्स शेयर दिस विथ यू गाइस। इट्स अ ग्लो सिरम फाउंडेशन और काफ़ी अच्छा एक हाइड्रेटिंग है। इसके दो पंप ले रही हूँ मैं, और इसमें इसे मैं ब्रश से अप्लाई करूँगी। तो सबसे पहले इसको अच्छे से हम पैलेट में निकाल लिए हमने, एंड उसके बाद हल्का हल्का हमने अप्लाई करना शुरू किया। अभी देख, सिरम फाउंडेशन है तो साथ ही साथ ग्लो भी प्रोवाइड करेगा एंड एवरीथिंग इंक्लूड करेगा। स्किन केयर आजकल देखो भाई मेकअप में आ रहे हैं, सो कितना अच्छा हो गया है ना कि अगर आप अपना विटामिन सी भूल जाते हो तो नो वरीज, फाउंडेशन काम कर रहा है उसकी। मेकअप फिक्सर जैसे रहने का पूरा खाली कर दिया समझो मैंने। इसके भी मैं एक से दो पंग, उसके बाद हम इसे ब्लेंड करना शुरू करेंगे। हमेशा डैब डैब करके ही आपको करना है। देख रहे हो कितना सही ये ब्लेंड हो रहा है। सी, जो मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ ये उतनी कवरेज प्रोवाइड नहीं करता है, बट ये काफ़ी अच्छा हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है। ये आपको एकदम ही डेली, अगर आप डेली लाइफ में यूज़ करना चाह रहे हो तो काफ़ी अच्छा है अंडर 500 में।
इसके बाद हम लोग कंसीलिंग थोड़ी हाई करेंगे, जिससे कि अगर आपको पिगमेंटेशन है, एक्ने स्कार्स हैं, तो वो छुप जाएंगे आपके. तो देखो कितना सही ब्लेंड और ग्लो कर रहा है मेरा फेस. सो कंसीलर के लिए मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर. ओ माय गॉड, द कवरेज दिस कंसीलर प्रोवाइड, ये जो अच्छी कवरेज देता है ना, अलग लेवल की है. सो हम ये यूज करेंगे अंडर द आई टू हाईलाइट, हाईलाइटेड पॉइंट्स पे यूज करेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला फाउंडेशन हमारा फुल कवरेज नहीं है, तो हमें हाईलाइटिंग इतनी अच्छी करनी है कि सब कुछ हमारा जो है वो कंसील हो जाए और छुप जाए. इसको भी मैं अच्छे से ब्लेंड करूंगी. कैन यू सी दैट कितने अच्छे से हाईलाइट कर रहा है ये, काफी हाई एंड को टक्कर देता है ये कंसीलर. सो या सारे प्रोडक्ट्स मैं आपको 500 के बता रही हूँ, ठीक है, अंडर 500, ये तो 500 को भी टच नहीं करता प्राइस. ये 180 या 190 समथिंग ऐसा कंसीलर है, और द कवरेज दिस कंसीलर प्रोवाइड अलग लेवल का है. आप देखो कितनी अच्छी कवरेज प्रोवाइड करता है ये, मुझे काफ़ी ज़्यादा लाइक पसंद है. एक तो ये और एक इनसाइड कॉस्मेटिक के कंसीलर्स, ओ माय गॉड, सी ऑलरेडी एक लुक दे दिया है इसने मेरे फेस को. अब जो हमने करेक्टर किया था उसको हम कंसील कर रहे हैं. डोंट वरी, पहले हमेशा ना ऑलवेज ट्रस्ट द प्रोसेस, और हल्के हाथ से ही आपको ना चीज़ें ब्लेंड करनी है. डोंट डू लाइक हार्श हार्श नहीं करना, हल्के हाथ से करो. तो मैं कोशिश करूंगी कि प्रॉपर एक यू नो करवा चौथ लुक आप लोगों को सर्व कर सकूं, जिससे कि आप भी आपके करवा चौथ में रेडी हो सके. यही नीचे मैंने ब्लेंड किया, उसी को मैं ऊपर लेकर गई और ब्लेंड करी. देखो कितने अच्छे से इसने मेरे डार्क सर्कल तक को हाइड कर दिया. दिस इज द अमाउंट ऑफ कवरेज दिस कंसीलर प्रोवाइड्स. बेस आपका हैवी नहीं करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि आपने फाउंडेशन लाइट रखा और आपने कंसीलर लगाया, तो ये मैनेज हो जाती है चीजें. मास का ये लिपस्टिक पैलेट, इस पैलेट से मैं अपना ब्लश यूज करूंगी, और साथ ही साथ इसी से मैं अपनी लिपस्टिक भी लगाने वाली हूँ. बट ब्लश के लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या कलर मैं यूज करूंगी. थोड़ा सा हम ये वाले टोन में जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें पिंक तो है नहीं, तो थोड़ा सा न्यूडिश हम रखेंगे. थोड़ा सा इसको मैंने हाथ पे लगा के देखा, और दूसरा एक कलर को मैं मर्ज करूंगी, ताकि ये डिजायर शेड मुझे जो चाहिए वो मिल जाए मुझे. तो मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का ये पैलेट, एंड इसको भी मैं नोज पे, अपने चिन पे, एंड देन एक ब्लश और ब्रश की मदद से मैं इसे ब्लेंड करना शुरू करूँगी. ब्रशेस में यूज़ कर रही हूँ प्रॉश के, ये थोड़े से महंगे हैं, तो इसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि हम अंडर 500 कर रहे हैं. आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हो, उसका कोई टेंशन नहीं है. सो ब्लश मेरा लग गया है, डोंट वरी, ये आगे जाके पूरा का पूरा सेट होगा. तो आपको अगर लगता है कि स्टार्ट में ब्लशर लगा लिया और बहुत ज़्यादा लग रहा है, डोंट वरी, क्योंकि मेकअप ऑक्सीडाइज होता है और कुछ देर के बाद सेट हो जाता है. तो इसलिए अगर ज़्यादा हो जाए तो डरने की कोई बात नहीं है, आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी यू नो इसको सेट कर सकते हो. तो मैंने पहले ब्रश से किया, नाउ मैं ब्यूटी ब्लेंडर से सेट कर रही हूँ, ताकि जो भी एक्सेस मेरा प्रोडक्ट है वो ब्यूटी ब्लेंडर में आ जाए. Alright, so देखा कितना easy था, हमने कितनी जल्दी ही यहाँ तक चीज़ें कर ली है. इसके बाद हम यूज़ करेंगे ब्लूस पाउडर टू सेट आर बेस. तो मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक का ये HD बनाना पाउडर. उसके बाद मैं इसे अंडर आई पे अप्लाई करना शुरू करूँगी. सबसे पहले आपको डैब डैब करके इसको सेट करना है, उसके बाद बेक करना है. बहुत सारे लोग क्या करते पता है,
पाउडर उठाया एंड डायरेक्टली उसे अप्लाई करने की भी कोशिश करते हैं और ऐसे बेकिंग लगा के छोड़ देते हैं। वैसे नहीं करना है आपको, पहले डैब डैब करके आपका अंडर आई सेट करना है, उसके बाद बेकिंग के लिए यू नो पाउडर छोड़ना है, ताकि अगर आप आई मेकअप कर रहे हो तो वो जो भी फॉल आउट होती है वो डायरेक्टली आपके अंडर आई पे ना हो, इसलिए हम वो वाली टेक्निक यूज़ करते हैं, बेकिंग की टेक्निक। अच्छे से अपना अगर बेस आप नहीं सेट करोगे तो ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं चलेगा। आपको ध्यान रखना है कि आप जो अपना बेस है उसको अच्छे से सेट करें। उसके बाद मैंने लगाऊंगी ये शुगर कॉस्मेटिक का ब्लश पैलेट से ब्लश लगाऊंगी। ये भी आपको अंडर 500 रुपीस मिल जाएगा। इसका भी काफ़ी अच्छा शेड है, कैन यू सी दैट द डिफरेंस। ये डिफाइन कर दिया इसने मेरे यू नो पूरे लुक को। सो इसके बाद बारी आती है मेकअप फिक्सर की। सो मेकअप फिक्सर अगेन मैं रेने का यूज कर रही हूँ टू सेट माय फेस। इसको थोड़ा सा हम यू नो ड्राई होने देंगे। उसके बाद बारी आती है हाइलाइटर की। तो हाइलाइटर के लिए मैं ले रही हूँ मास्क का ये हाइलाइटर ग्लोजिला पैलेट। मैं ये दो शेड्स यूज करने वाली हूँ। कैन यू सी कितना अच्छा ग्लो आ रहा है इस हाइलाइटर पैलेट का। ओह नाइस। वाओ, कैन यू सी द ग्लो, कैन यू सी द ग्लो। इसके बाद हम करने वाले हैं आई लुक। सो आई लुक के लिए आई विल बी टेकिंग दिस मेकअप रेवोल्यूशन का ये पैलेट। सो ये आपको हमेशा नायका पे डिस्काउंट में रहते हैं, कॉम्बो में रहते हैं अंडर 1000 रुपीज़ और उससे भी कम में। तो ये बेसिकली एक पैलेट आपको 500 का पड़ ही जाता है। सो दैट्स वाई आई चूज दिस पैलेट फॉर टूडेज लुक। सो सबसे पहले हम करेंगे, क्योंकि हमने पिंक पहना, ये लुक आप कोई भी कपड़े पे कर सकते हो। मोस्टली करवा चौथ लुक में वुमेन्स जो है वो रेड पहनना पसंद करती है, पिंक भी पहनते हैं बहुत सारे लोग। रेड उसलिए पहनते हैं क्योंकि वो सुहागन की निशानी मानते हैं वो लोग, तो वो रेड पहनते हैं ज़्यादा। तो एक ब्राउन शेड लिया, उसको सबसे पहले आपको एक ट्रांजिशन क्रिएट करना है। देख रहे हो मैंने एक ट्रांजिशन क्रिएट किया। थोड़ा सा ग्लैम लुक की बताऊंगी, बिकॉज व्हाई नॉट। अभी एक डार्क शेड मैं ले रही हूँ, ब्राउन शेड, एंड मैं आउटर कॉर्नर पे डिपॉजिट कर रही हूँ पहले। सेम ब्रश से जो जिसे हमने ट्रांजिशन किया था इसको मर्ज कर लेंगे एंड ब्लेंड आउट करेंगे, ताकि जो भी हार्श लाइंस हैं वो दिखे ना। एक मैं शिमर शेड, आप कोई भी शेड यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके ड्रेस में यू नो वर्क होगा उसका शेड आप लेके यहाँ पे लाइक दिस कट क्रीज के जैसे आपको अप्लाई करना है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि हमारा शिमर शेड है वो एकदम पॉपअप होके नहीं दिखता है। सो मेक श्योर कि आप है ना फिंगर टिप से लगाओ, क्योंकि फिंगर टिप से जो लुक आता है ना शिमर का, वो ब्रश नहीं उतना जस्टिस कर पाता है। सी फिंगर से देखो मैं लगा रही हूँ, कितना पॉपअप होके दिख रहा है। लास्ट में आप ब्रश से थोड़ा अप्लाई कर सकते हो, लाइक जहाँ पे हाथ नहीं पहुँच रहे हैं ऊपर की तरफ, वहाँ पे आप कर सकते हो। काजल लगाऊंगी मैं, तो उसके लिए ले रही हूँ रेने का ये मिडनाइट काजल। सो मैं अपनी पहले आई लाइन पे लगाऊंगी। मैं अब परफेक्ट शेप नहीं दे रही हूँ, ऑल्दो मैं इसे ब्लेंड करने वाली हूँ।
मैंने ऐसे लगाया और मैं एक प्रिसाइज ब्रश लूँगी। इस ब्रश का नंबर है P08 प्रॉश। इसको मैं ब्लेंड करना शुरू करूँगी, क्योंकि अभी लाइनर का ट्रेंड गया तो बहुत सारे लोग हैं ना सिर्फ काजल लगा के उसमें उसको स्मोकी इफेक्ट देते हैं, ताकि एक लाइनर इफेक्ट भी आ जाए प्लस वो लाइनर जैसा ओल्ड स्टाइल लगे भी ना। अगेन वो सेम ब्रश लेना है जिससे आपने ट्रांजिशन किया है एंड इसको ब्लेंड आउट करना है। इसको ऊपर की तरफ लेके जाओ और ब्लेंड आउट करो। देखा कितना इजी था, आप भी घर बैठे बैठे ऐसा लुक कर सकते हो बाय वॉचिंग माई वीडियोज। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। अच्छे से ब्लेंड करना, एक प्रिसाइज लुक देना है। मस्कारा के लिए आई विल बी यूजिंग शुगर कॉस्मेटिक का मस्कारा। उस फिल करना है तो थोड़ा सा हल्का हम इसे डिफाइन करेंगे, ताकि ऐसे ना लगे कि भाई आई मेकअप इतना अच्छा किया और आईब्रोज ही नहीं है। सिर्फ मैं आउटर कॉर्नर पे ही इसे फिल करूंगी एंड जितना ब्रश में है वो एक आईब्रो के लिए काफ़ी है, आपको ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है और उसी को अच्छे से ब्लेंड आउट करना है हमें। कैन यू सी दैट, इधर भी वही करना है। सबसे पहले मिडल ऑफ दी आईब्रो पे आपको फिल करना शुरू करना है एंड देन आपको आउटर कॉर्नर्स पे जाना है। इनर कॉर्नर को हम जो है वो नेचुरल रखने की ही कोशिश करेंगे, क्योंकि उसको ज़्यादा अगर हमने फिल किया तो ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आपने आर्टिफिशियल आईब्रोज किए हैं। तो हल्का हल्का थोड़ा सा हम आ सकते हैं, बट ज़्यादा फिल करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज वो एकदम गॉडी लुक लगता है। देखा कितना इजी था आईब्रो भी फिल करना। ऐसी और अच्छे तरीके से आप अगर मेकअप सीखना चाहते हैं तो आप मेरे बेसिक टू एडवांस 3 मंथ का जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी डिटेल के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स नाउ अप्लाई लिपस्टिक। लिपस्टिक मैं रेड क्लासिक ही यूज़ करने वाली हूँ, बिकॉज बहुत सारी जो विमेंस हैं वो रेड लिपस्टिक यूज़ करती हैं अपने करवा चौथ पे, मैंने बहुत देखा है। सो मैंने सोचा व्हाई नॉट, लेट्स अप्लाई रेड लिपस्टिक ऑन माय लिप्स। यही सबसे पहले हम देखेंगे कैसे दिख रहा है हमारे लुक पे। ऑलराइट, रेड नेवर लुक बैड ऑन माय लिप्स। और ये मैं मास्क के ही पैलेट से यूज कर रही हूं। This is red. अब देखो मेरे पास तो बड़ी बिंदी नहीं है, मेरे पास छोटू सी बिंदी है, उसको लगाऊंगी और उसके ऊपर रेड कलर करूंगी, बिकॉज यूजुअली मैं लुक के लिए ब्लैक बिंदी रखती हूँ मेरे पास, तो मैं ब्लैक लगा रही हूँ और उसके ऊपर हम रेड लिपस्टिक से कवर कर देंगे। हम सेंटर में लगाएंगे। या नाइस राइट, और उसको हम कवर करेंगे। आई डोंट नो कैसे हो, मतलब कैसे दिखेगा मुझ पे गाइज, बट प्लीज डोंट जज मी। Do I look like a married one? Although
हमारे में नहीं होता है ये सिंदूर वगैरह, बट फॉर यू गाइस कि कैसे दिखेगा विद सिंदूर, आई एम अप्लाइंग दिस। तो आई लुक अ मैरिड वन, क्योंकि बाद में नहीं निकला ना तो बहुत गाली पड़ने वाली है मुझे। आई थिंक मुझे थोड़ा सा पार्ट करके लगाना पड़ेगा। ऑलराइट, आई एम लुकिंग लाइक अ मैरिड वन। वेयर इज माई हस्बैंड? बट आई रिस्पेक्ट दिस ट्रेडिशन, द वे दे अप्लाई मुझे बहुत फैसिनेट करता है। द मंगलसूत्र दे वेयर, द सिंदूर दे अप्लाई, मुझे बहुत फैसिनेट करता है। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो मेरा करवा चौथ लुक। दिस इज़ वेरी फर्स्ट टाइम दैट आई क्रिएटेड लुक ऑन दिस चैनल, एंड मैंने इससे पहले कभी भी नहीं किया। ऑल द पूरा प्रॉपर लुक लाइक विथ सिंदूर, बिंदी एंड एवरी थिंग। आई नो बिंदी थोड़ी सी छोटी की, आप लोग बड़ी लगा सकते हो, बट दिस इज़ हाउ आई क्रिएटेड माई लुक अंडर 500 रुपीज़ प्रोडक्ट। यो मैं नेक्स्ट लुक आपको दिवाली लुक सिखाऊंगी। सो प्लीज कीप आई ऑन माई चैनल, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जितना भी प्रोडक्ट यूज किया है मैंने वो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपना पहला करवा चौथ करने वाले हैं ये साल, उन सारी लेडीज के साथ ये वीडियो को शेयर कर देना, ताकि वो अपने पहले करवा चौथ में इतने अच्छे दिख पाए, इतने अच्छे से मेकअप कर पाए। बहुत सारे लोगों को यू नो समझ में नहीं आता है कि कैसे हम कहाँ से शुरुआत करें। सो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो अगर आपने कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखा होगा तो प्लीज डू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।